सो गाइज, अगर आप लोगों ने भी अभी नया नया DSLR लिया है और आप लोगों को भी DSLR चलाना नहीं आता है, तो फर्स्ट टाइम किस तरीके से DSLR चलाते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से फ़ोटो क्लिक करते हैं, एकदम बिगनर हो, फर्स्ट टाइम आपके हाथ में DSLR आया है, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को शुरू, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को DSLR चलाना बताऊंगा और साथ ही साथ बैटरी वगैरह भी किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, लेंस वगैरह किस तरीके से चेंज करते हैं, हर एक चीज़ बताऊँगा। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस, फर्स्ट टाइम DSLR आएगा आपके हाथ में कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जो है ये लेंस वाला पोर्शन होता है, नीचे की ओर बैटरी लगती है, तो इसको आपको नीचे की ओर पुश करना है और ऊपर की तरफ करना है, तो ये आपका जो है यहाँ पर बैटरी सेक्शन है। उसके बाद आप लोग इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग लेंस वाले पोर्शन पर। तो ठीक है, तो लेंस के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक बटन दिया गया है, ये वाला, इस वाले बटन को प्रेस करना है और लेंस को जो है कुछ इस तरीके से घुमाना है। तो देख सकते हैं ये लेंस जो है वो निकल गया है। अब फिर से अगर लेंस लगाना है तो यहाँ पर एक वाइट वाइट डॉट है और इसके ऊपर में भी वाइट डॉट आप लोगों को दिख जाएगा, तो ये वाइट वाले को यहाँ पर से मिलाना है भैया। ठीक है, मिला करके आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो है वो प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर एक कट से आवाज़ आएगी जो कि काफ़ी कम साउंड होता है, और इसके बाद जो है आपका लेंस जो है वो अच्छे तरीके से फिट हो गया है। तो इसे प्रेस करके आप लोगों को घुमाना है तो आपका लेंस खुल जाएगा, दूसरा लेंस आप लोग लगा सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना भाई, लेंस को कभी भी बाहर में मत खोलना क्योंकि डस्ट वगैरह अंदर जा सकता है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को खोल के दिखा दिया, बट लेंस को आप लोगों को कभी भी बाहर में नहीं खोलना है। ऐसे जगह पर खोलना है जहाँ पर उतना ज़्यादा डस्ट हवा वगैरह ना चलती हो, क्योंकि फिर फोटोज़ में आपके डस्ट आने लगेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है 50mm लेंस वगैरह भी आप लोग इसमें लगा सकते हो अच्छे खासे ब्लर इफेक्ट के लिए। यहाँ पर आप लोग ऊपर की तरफ करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है मिल जाएगा यहाँ पर फ्लैश लाइट। इस फ्लैश लाइट में उतना दम तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मली अगर आप लोग फ़ोटो क्लिक करते हो अपनी, तो ये काफ़ी अच्छा काम करती है। ओके, तो यहाँ पर जो है आप लोग ट्राइपॉड जो है वो लगा सकते हो, यहाँ पर ट्राइपॉड का सेक्शन दिया हुआ है, ट्राइपॉड वगैरह पर माउंट कर सकते हो काफ़ी आसानी से। और ये जो ढक्कन है भाई, इसको कैसे करना है, यहाँ पर क्लिक करके प्रेस करके कर लेना है और इस तरीके से इसको लगा देना है। तो ये आपका DSLR है। चलिए अब इसकी जो है सेटिंग्स ऑन ऑफ करके भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो गाइज़, ये है हमारा DSLR Canon 200D Mark II, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आप लोगों को इसके जो बटन्स होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑफ़, ऑन, और एक जो मोड है वो वीडियो का है। तो इसे जिस तरीके से आप लोग टिल्ट करेंगे तो ऑन पर जाएगा, तो कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। यहाँ पर और सारे मेन्यू दिए हुए हैं, जैसे AV मोड हो गया, मैनुअल मोड हो गया। तो आप लोग अगर बिगनर है तो AV मोड पर ही शूट करें, ईजिली हो जाएगा। ठीक है, जब आपको चलाना नहीं आता और जब आप लोगों को फ़ोटो वगैरह, ISO वगैरह सबकी नॉलेज हो जाएगी, तो फिर आप लोग मैनुअल पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एक बटन दिया हुआ है, ये वाला, इस बटन से जो है आप लोगों को फ़ोटो क्लिक करना है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को माइक का भी ऑप्शन मिल जाता है, व्यू फाइंडर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और आप लोगों को अगर स्क्रीन में देख के करना है तो इस तरीके से स्क्रीन को खोल के इस तरीके से टिल्ट करके यहाँ पर कर लेना है। तो इस तरीके से जब आप लोग कर लेंगे तो आपका जो है ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसे ऑन करेंगे। फर्स्ट टाइम जब ऑन करेंगे तो AV मोड पर हम लोगों को कुछ इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद आप लोगों को जो है व्यू फाइंडर से करना है, तो यहाँ पर से आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आपको इस वाले बटन को एक बार टैप कर देना है। तो जैसे ही आप लोग टैप करेंगे तो देख सकते हैं आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर से जो कैप है इसको प्रेस करना है और प्रेस करके निकाल लेना है। तो ये आपका लेंस है। तो चलिए इसे मैं रख देता हूँ साइड में। अब देख सकते हैं हम लोगों को कैमरा अच्छे से दिख रहा है। सो यहाँ पर जो है मेरा कैमरा जो है वो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं AV मोड के अंदर में भी। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, ISO को ऑटो पर रखना है। इससे जो है आपका ISO जो है वो ऑटो पर रहेगा, और F aperture आप लोग जितना ज़्यादा, मतलब इस लेंस को इस तरीके से घुमाइएगा, वो आ जाएगा 55mm पर। ठीक है, और यहाँ पर इस वाले बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर मैं इस वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं फ़ोटो जो है वो आ गया। अब मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर जो है हमारी फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक हो गई है। अब इस फ़ोटो को अगर आप लोगों को देखना है तो इस वाला जो बटन है, ये वाला, इस वाले बटन पर एक बार मैंने टैप किया तो देख सकते हैं फ़ोटो हमारी आ गई है। और फ़ोटो को मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो फ़ोटो क्वालिटी यार काफ़ी अच्छी आती है। अभी मैंने किट लेंस लगाया हुआ है। अगर आप लोगों को और भी अच्छी फ़ोटोज़ चाहिए तो 50mm लेंस आप लोग लगा सकते हैं। लिंक दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई फ़ोटो क्लिक करने की बात। यहाँ पर मैंने AV मोड पर रखा है
और फिर से आप लोगों को अगर व्यू फाइंडर पर करना है तो एक बार इसको टैप कर देना, तो यहाँ पर से ये आपका स्क्रीन आ गया। एक बार और टैप करना तो ये व्यू फाइंडर मोड आ जाता है, ठीक है। और इसे आप लोगों को बंद कर लेना है। फिर उसके बाद जो है आप लोगों को क्या करना है, इस वाले फाइंडर में देखना है यहाँ से, और यहाँ से देख के आप लोगों को फ़ोटो क्लिक करना है, तो ये फ़ोटो जो है वो क्लिक हो जाएगी। तो फिलहाल मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा के ही करता हूँ, ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप लोग स्क्रीन पर देख के करें, फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ़ोटो क्लिक की वो ये आई थी, ठीक है। उसके बाद फिर से, और अगर डिलीट करना है आप लोगों को फ़ोटोज़ को, मान लीजिए मैं पिछली वाली फ़ोटोज़ को डिलीट करना है, तो इस पर एक बार टाइप कीजिए, यहाँ साइड से आइए और ये जो डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा और इरेज जेपीजी रॉ दोनों कर दीजिए, तो ये इरेज हो जाएगा। फिर से स्क्रीन पर आना है तो इस बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इस बटन पर प्रेस करके जो है आ गया स्क्रीन पर। यहाँ पर आप लोगों को और भी मोड्स मिल जाते हैं, जैसे टीवी मोड्स देख सकते हैं। इसका क्या काम है वो सारा कुछ है कि फ्लोइंग ऑब्जेक्ट्स है, कोई बहता हुआ पानी है तो उसे आप लोग शूट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोग्राम, यहाँ पर डार्कर, स्टैंडर्ड, ब्राइटनेस तीनों आप लोगों को फ़िल्टर टाइप से मिल जाते हैं। AI वाला भी मिल जाता है आप लोगों को, और SCN सीन, स्पेशल सीन्स अगर कुछ लेना चाह रहे हो तो वो भी इससे ले सकते हो। यहाँ पर पोर्ट्रेट्स वगैरह का भी ऑप्शंस मिल जाता है, लेकिन मैं हमेशा बोलूँगा या तो आप लोग AV पर शूट करना सीखो भाई, अगर बिगनर हो तो AV पर शूट करो, काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आती है। एपर्चर को आप लोग जितना ब्लर करना चाहते हो उतना ज़्यादा आप लोगों को इसको रखना, जितना ज़्यादा जूम करके आप लोग क्लिक करोगे उतनी अच्छी फ़ोटोज़ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देख सकते हो मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, तो ये जो फ़ोटोज़ आई काफ़ी अच्छी आई। अब और देख लेते हैं मैनुअल मोड्स में अगर आप लोगों को फ़ोटो खींचना है, पहले तो आप लोग भाई अगर बिगनर हो तो आप लोग AV मोड में सिंपल फ़ोटो क्लिक कर लो, AV में काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आती है, ब्लर्ड फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी क्लिक कर पाओगे। मैनुअल में अगर करना है तो मैनुअल में किस तरीके से करना, तो यहाँ से आप लोगों को मैनुअल पर सेट कर लेना, देख सकते हो ये वाला जो निशान है इसके सामने में जो भी रहेगा वही मोड आ जाएगा। मैनुअल पर आ जाते हैं, कुछ इस तरीके का सेटिंग है, इसके ऊपर एक बार और टैप कर लो, ये आ जाएगा आपका स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है ये दिया हुआ है, देख सकते हो फोकस पॉइंट, ओके। इसे आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो, ब्राइटनेस अगर ज़्यादा या कम करना है इससे कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को ISO मिल जाता है, तो ISO को आप लोग जितना कम रखोगे उतना अच्छा रहता है। हालांकि फ़िलहाल आप लोग ऑटो पे रखना, कम से मतलब है कि ग्रेन्स अगर आपको अपनी फ़ोटोज़ में कम चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, ग्रेन्स फ़ोटो में कम हो, तो आप लोग इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। हैं कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आप लोग फोटो देख सकते हो काफ़ी प्यारी प्यारी आ रही है। जूम जितना ज़्यादा करके रखोगे फोटोज़ उतनी अच्छी आएगी, और जूम यहाँ से मैं कर रहा हूँ देख सकते हो, 1855mm वाला किट लेंस लगा हुआ है। लेकिन और भी अच्छी ब्लर फोटोज़ आपको चाहिए तो भैया आपको जो है 50mm का लेंस लेना पड़ेगा, देख सकते हो। फ़ोटो की क्वालिटी देख लो भाई, बहुत प्यारी, बहुत ही खूबसूरत आ रही है फ़ोटो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने मैनुअल भी बता दिया, मैनुअल पे आप लोग हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो काफ़ी आसानी से, ठीक है। और भी इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स है, तो अभी इतनी ज़्यादा सेटिंग्स को नहीं देखना है आप लोगों को, सिर्फ इसको देख लेना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग मेन्यू पर। मेन्यू पर यहाँ पर आप लोगों को एक मेन्यू बटन मिल जाता है, मेन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों को फ़ोटो के अंदर में आ जाएगा, इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी रॉ और जेपेग दोनों मैंने यूज़ किया हुआ है। अब नॉर्मली अगर आप लोग भाई वेडिंग वगैरह में जा रहे हो तो जेपेग यूज़ कर सकते हो, सिर्फ जेपेग से भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही हाई क्वालिटीज़ में फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए तो रॉ और जेपेग आप लोग दोनों को सिलेक्ट कर लेना। मैं बेसिकली रॉ और जेपेग दोनों में यूज़ करता हूँ। इमेज की जो रेशियो होती है, किस रेशियो में आप लोगों को फ़ोटो क्लिक करना है, मान लीजिए 16:9 में करना है, 3:2 में करना है, काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो लेते हैं तो 1:1 में भी वो लोग क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इमेज की जो रिव्यू है वो आपको कितने सेकंड तक दिखेगी फ़ोटो क्लिक करने के बाद, वो सब है। बाकी भी और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट ये जो ऑप्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद आते हैं और सब भी बहुत सारे मूड हैं, तो ये सब मूड को आप लोगों को भाई नहीं छेड़ना है, ठीक है। आपको सिर्फ मैं दिखा दे रहा हूँ ये सब मूड को, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा जो है वो छेड़ना नहीं है, सेटिंग्स हो सकती है ख़राब। अब यहाँ पर सेटिंग्स में आते हैं, तो आप लोगों को मान लीजिए अपने कार्ड को फॉर्मेट करना है, तो यहाँ से फॉर्मेट पर क्लिक करके यहाँ पर इस वाले बटन से जो है आप राइट लेफ़्ट राइट कर सकते हो, तो इधर वाले से ओके कर देना, तो ये आपका जो फॉर्मेट हो जाएगा कार्ड, ठीक है। मैंने कोई फ़ोटो नहीं रखी थी, तो फॉर्मेट होने के बाद वो पूरा डिलीट हो जाता है आपके इससे, तो ये दो चीज़ें आप लोगों को कर लेनी है। चलिए अब फिर से हम लोग आ जाते हैं इस वाले बटन को दाब के बैक।
अब आप लोगों को बता देता हूँ मैं वीडियो मोड। तो वीडियो मोड के लिए इस वाले बटन को आप लोगों को एक बार टिल्ट करना है, तो ये वीडियो का एक आइकन दिख रहा होगा आप लोगों को, वीडियो के आइकन पर आ गया। अब जो ये मोड है आप लोगों का वीडियो मोड है, ठीक है। अभी मैंने मैनुअल पर किया हुआ, आप लोग एवी में भी वीडियो मोड कर सकते हो, मैंने मैनुअल पर करके रखा है। तो मैनुअल पर मुझे बहुत सारी सेटिंग्स और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब देख सकते हो आप लोग क्वालिटी भाई काफ़ी अच्छी आ रही है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हो फोकस जब मैं कर रहा हूँ भाई, तो क्वालिटी और ब्लर इफेक्ट काफ़ी कूल आ रहा है, आप लोग भी देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मैनुअल मोड पर कर लिया है। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको इस वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये मेरी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई, और मैं जूम इन और जूम आउट कर पा रहा हूँ काफ़ी आसानी से, ठीक है। फिर से पॉज करना है, तो यहाँ पर भाई पॉज का ऑप्शन नहीं मिलता है कैनन 200D मार्क II के अंदर में, तो इसको फिर से जो है करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है आप लोगों को पॉज का ऑप्शन नहीं मिलता, डायरेक्ट आप लोगों को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद आइए आप लोगों को कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर जब हम लोग बीच वाला बटन जो है इसको प्रेस करते हैं, तो ये आप लोगों की इसकी सेटिंग खुल जाती है। यहाँ पर ऑटो फोकस है, तो ऑटो फोकस मोड्स को आप लोगों को जो है वो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं। अगर ट्रैकिंग कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हिलता डुलता कोई चीज़ है, कोई दौड़ रहा है, तो इस वाले पर सेलेक्ट रखना। स्पॉट पॉइंट पर किसी पर सेलेक्ट करना इस वाले पर, या फिर वन पॉइंट फोकस करना है। काफ़ी बार होता है कि जब आप लोग फोटोज़ या वीडियो लेते हो तो सामने वाली चीज़ को आप लोगों को ब्लर रखना है, पीछे वाली चीज़ को, तो ये फोकस पॉइंट सेलेक्ट कर लेना तो हो जाएगा। और जोन फोकस मतलब ऑटो फोकस पॉइंट हो जाता है, तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर फेस कैम वीडियो शूट करता हूँ। उसके बाद नीचे में आ जाते हैं, यहाँ पर से आप लोग क्वालिटी देख सकते हो, जैसे फुल HD 50fps या फुल HD 25fps। और अगर आप लोग कर रहे हो भाई शूट 4K में, 25fps पे शूट कर सकते हो। इस कैमरे के अंदर में 4K 25fps वाला ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी कूल और काफ़ी प्रीमियम है भाई। तो यहाँ पर फुल HD रख सकते हो, मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ या तो 1080p 25fps पर आप लोग शूट करो, या फिर अगर आप लोगों के पास भैया GB ज़्यादा है तो 4K 25fps पर शूट कर लो। तो मैं फुल HD 25fps पर ज़्यादातर शूट करता हूँ। यहाँ से ISO है, इसे आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितना कम रखोगे क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी। जैसे देख सकते हो यहाँ पर मैंने 200 किया, क्वालिटी अच्छी आई। और थोड़ा सा डार्कर करना है तो 100 पर किया, थोड़ा सा डार्कर आ गया। तो ऑटो पर भी आप लोग रख सकते हो, लेकिन अगर आप लोग भाई घर के अंदर शूट कर रहे हो या बाहर में शूट कर रहे हो तो इस तरीके से कर सकते हो। इससे भी आप लोग कम या ज़्यादा ब्राइटनेस जो है वो कर सकते हो। और यहाँ पर अगर जूम करना है तो इस लेंस को आपको इस तरीके से घुमाना पड़ेगा, तो इस तरीके से ये जूम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को हो गई क्वालिटी की बात। यहाँ पर और भी है, मैं ये सब सेटिंग्स को आप लोगों को नहीं यूज़ करने बोलूँगा क्योंकि आप बिगनर हैं, लेकिन जो नॉर्मल सेटिंग्स होती है वो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर ये सारे जो है वो नॉर्मल सेटिंग्स हैं, और इससे आप फिर से एक बार क्लिक कर लोगे भाई तो यहाँ से जो है वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। पॉज इसमें होता नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों को इस पर टैप करके जो है भाई इस तरीके से वीडियोज़ को बंद रखना, और वीडियोज़ को देखना है तो इस पर टैप करो, यहाँ देखो वीडियो आ जाएगी, फिर इस पर टैप करो वीडियो आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो ये जो वीडियोस है इसके अंदर में चल रही है, और क्वालिटी भी देख सकते हो काफ़ी सही आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे मैं बंद कर देता हूँ, फिर से इस बटन को दाब के भी आप लोग बंद कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग नॉर्मली जो है फ़ोटोज़ वीडियोज़ फर्स्ट टाइम DSLR लिया है तो क्लिक कर सकते हो काफ़ी आसानी से। और फ़ोटो क्लिक करने के लिए भाई इस वाले बटन का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको पहले ले आता हूँ ऑन मोड पे, ऑन मोड पे जो है कैमरा ऑन हो जाता है। मैनुअल है, यहाँ पर देख सकते हो मैं ISO को थोड़ा सा कम पे रखता हूँ, फ़ोटोज़ में 800 और 1600 या 800 एनफ है। फोकस करता हूँ, देख सकते हो फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो काफ़ी प्यारी आ रही है। आप लोगों को देखने में लगता होगा डार्कर, लेकिन जब आप लोग इसे यार देखोगे ना तो ये जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होकर आती है। तो इस तरीके से ISO हमेशा आप लोग थोड़ा कम रखना भाई। हाँ, आप ज़्यादा अंधेरी वाली जगह पर हो तो वहाँ पर आप लोग बढ़ा सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा ISO कम रखना, ग्रेन्स काफ़ी कम आएंगे और जो क्वालिटी है फ़ोटो की वो काफ़ी अच्छी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग फर्स्ट टाइम DSLR अगर यूज़ कर रहे हो तो कर सकते हो, और यहाँ पर क्लिक करके इसे ऑफ़ कर लेना है। काफ़ी सारे ऑप्शंस और भी हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट अगर आप लोगों को फ़ोटो में ऑन करना है तो इस वाले बटन को यहाँ से ऐसे करके उठाना है, तो देख सकते हो फ्लैश जो है वो कैनन का आ चुका है। तो काफ़ी कूल, काफ़ी प्रीमियम लगता है भाई। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइम अगर आप लोग DSLR यूज़ कर रहे हो लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली करना। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।